अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजी स्किल डिजिटल मार्केटिंग एक्सरसाइज नंबर 1। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मार्क्स है वो है, ये 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है और आपकी जो आखिरी डेट है वो 4 अगस्त 2022 है, ठीक है। और आपने जो है असाइनमेंट सबमिट करवाना है MS वर्ड की फाइल में, ठीक है। और डॉक जो इसकी एक्सटेंशन होती है, और आपकी फाइल जो करप्ट होनी चाहिए और आपका जो है असाइनमेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों को 0 मार्क्स पे लेंगे, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम क्या है इस असाइनमेंट को करने के बाद, आप लोग क्या होंगे, आप लोग सीख लेंगे क्रिएटिंग अ पोस्ट यूजिंग कैनवा टूल्स। कैनवा पर आप किस तरीके से पोस्ट बना सकते हैं, सेलेक्ट टेम्पलेट फॉर अ पोस्ट और कौन सा टेम्पलेट चूज़ करना है आपने पोस्ट के लिए, एड बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड किस तरीके से एड करना है और हेडलाइंस वगैरह और बटन किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। देयर आर 5 पार्ट्स एक्सरसाइज, वो ये कह रहे हैं कि आपके सिर्फ 5 पार्ट्स है इसके अंदर, इसको दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले पढ़े सिनेरियो क्या है, मिनी माइनर्स जो है एक ब्रांड का नेम है, अकिट क्लॉथिंग नीड अ फ्रीलांसर टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर देयर ब्रांड। तो इनको एक फ्रीलांसर चाहिए जो कि सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सके अपने ब्रांड्स के लिए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अपीयरिंग पोस्ट कंसीडरिंग द थीम ऑफ द ब्रांड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक अपीयरिंग पोस्ट यानी कि अट्रैक्टिव पोस्ट बनानी है इनके ब्रांड के लिए, ठीक है। थीम, अब थीम जो आपकी मर्जी है, कोई से भी किट्स के लिहाज जो भी थीम आप सेलेक्ट करो बना दें, उसके अंदर एक हेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस वेबसाइट का URL होना चाहिए एंड कॉल टू एक्शन बटन, ये कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, इसके अंदर कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। और टास्क में क्या, टास्क में कह रहे हैं कि पहले टास्क में आपने क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट पेज एंड सेलेक्ट अ रिलेवेंट टेम्पलेट फॉर द पोस्ट ऑन कैनवा, ठीक है। आपने क्या करना है, कैनवा पे एक सिंपल ब्लैक पोस्ट लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लगाना है, फिर आपने उसके अंदर एक बैकग्राउंड चेंज करना है, हेडलाइन डालनी है उसके अंदर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है। वन प्रोडक्ट इमेज, एक प्रोडक्ट आपने इमेज डालनी है बच्चे से यानी कि बच्चे के जो ब्रांड है किड्स से रिलेटेड आपने कोई भी एक इमेज डाल देनी है, फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपने उसके अंदर एक शॉप नाउ का बटन ऐड करना है और उसके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर रिप्लिकेट द सेम डिज़ाइन फॉर फेसबुक स्टोरी, फिर आपने एक फेसबुक स्टोरी बनानी है, ठीक है। यानी कि दो काम दिए गए हैं, एक तो आपने कैनवा पोस्ट बनानी है यानी फेसबुक पोस्ट, और दूसरा आपने फेसबुक स्टोरी। अब ये जो आपने 4 स्टेप किए हैं फेसबुक पोस्ट पर, यही आपने 4 स्टेप फेसबुक स्टोरी पर करना है, ठीक है। गाइडलाइंस क्या, पोस्ट शुड बी यूनिक एंड क्रिएटिव, ठीक है। यूनिक होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन यूज एनी टेम्पलेट दैट सूट द थीम ऑफ द ब्रांड, आप कोई सा भी टेम्पलेट कैनवा के अंदर बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर फेसबुक पोस्ट की क्या होनी चाहिए, 940 पिक्सल विड्थ और 788 पिक्सल हाइट होनी चाहिए, जो कि फेसबुक की जो डिफॉल्ट साइज होती है पोस्ट की वही होती है। और डायमेंशन फॉर फेसबुक स्टोरी की ये डायमेंशन दी गई है, 080 पिक्सल और 1920 पिक्सल हाइट, ठीक है। यूज़ फ्री रिसोर्सेज लाइक एलिमेंट्स इमेज एंड बैकग्राउंड फॉर द पोस्ट, कोई सी भी आप इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। यूज़ द फॉलोइंग URL फॉर द वेबसाइट, अगर आप इसकी वेबसाइट देखना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, इन्हीं इसी वेबसाइट के ये ब्रांड है इनका, ठीक है। तो इस ब्रांड का आपने लिंक डालना है, ठीक है। MS वर्ड फाइल दिस स्क्रीन शॉट फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड टास्क, वी विल एनालाइज द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द स्टेप दैट यू विल परफॉर्म, ठीक है। तो चलते हैं एक अपने टास्क 1 की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करना है, अपनी वर्ड की फाइल खोल लेनी है, एक्सरसाइज सेव कर दी मैंने अपनी वेबसाइट के देखा तो क्या है, ठीक है। मेरी माइनर्स ये इनकी वेबसाइट है, बट द प्राइस प्रोडक्शन सेल 50% वेबसाइट, ठीक है। ज़्यादा कोई ठीक है, आज अंग्रेज़ों के बच्चे की पिक्चर लगाई हुई है उन्होंने और यहाँ वेबसाइट का आइडिया हो गया। हमने क्या करना है, हमने एक आइडिया ले लिया, हाँ इनका ब्रांड थीम कलर क्या है इनका, देखें यहाँ पे जो है कलर की अगर आपने सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने कैनवा पे आप देखें फेसबुक पोस्ट सेलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ मैं ऊपर गया, आपने अपना कैनवा कर लेना लॉगिन, आप सिंपल जीमेल से कर लेंगे लॉगिन, जिसका लॉगिन हुआ है कोई मसला वाली बात नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम कैनवा यूज़ कर रहा है, सिंपल आप canva.com में जाएंगे, एंटर करेंगे और लॉगिन में जीमेल कर लेंगे, जीमेल से लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपने करना है कि यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा होगा फेसबुक पोस्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे आप फेसबुक पोस्ट बन जाएंगे, या अगर आप चाहें तो कस्टम साइज पर क्लिक करके आप जो साइज़ दिया गया आपको PDF में वो आप पुट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँ फेसबुक पोस्ट पर, आपको ऑटोमेटिक उस साइज़ पर ले जाएगा जो इन्होंने यहाँ पर आपको कहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेरा खुल गया, आप इसमें हमने करना है सबसे पहले टास्क में करना है कि क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट, कुछ टेम्पलेट देख लेते हैं। हमारा ब्रांड्स है किड्स का, देखें किड्स में 1.5 चीज़ें आगे टेम्पलेट आ गए हमारे पास। हम एक काम करते हैं, अब मेरे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, कलर जिला, इससे आप डाउनलोड कर लें
अब इससे क्या हुआ, मैं किसी को क्लिक करूँगा, मुझे देखना है इनका जो ब्रांड है इसका कलर कौन सा है। मैंने इस पर क्लिक किया, कलर मेरा कोड कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिल्टर में जाऊँगा, यहाँ पे कलर्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा कलर। ठीक है, उस कलर से रिलेटेड जो मैं सारे टेम्पलेट मिल गए हैं, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। मैं इनकी अगर होम पेज पर जाऊँ, इनके पास कलर क्या है, सिंपल रेड जो कलर है इनका, जो भी रेड का शेड है, और जो वाइट और येलो नज़र आ रहे हैं वेब साइड में। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें सिंपल इनका जो मेन थीम कलर है वो हमने रेड सेलेक्ट कर लिया। आप देखें अब हमें कौन सा टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, कोई टेम्पलेट यहाँ से उठा लें किस के लिहाज से। सपोज मैं ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, देखिए ये प्रो वर्जन है। ठीक है, अगर मेरा जो है कैमरा प्रो है, अगर आप लोगों को प्रो चाहिए तो बहुत ही चीप रेट का मैं आप लोगों को ये दे दूँगा। अपना जो है ई मेल है, आप ई मेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें प्रो वर्जन आ रहा है, तो आपके पास प्रो वर्जन आ रहा होगा। अगर आप प्रो है तो इस्तेमाल कर लेना, आप सिंपल ये टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी के नाम आपने क्या कहना है, जब आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया तो आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बनी हुई आ रही है, तो आपने वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी कॉपी ले लूँगा, डुप्लीकेट पेज कर लूँगा, इन्होंने ये आगे नीचे इसमें से मैं सारी चीज़ें डिलीट कर लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं और उसके स्क्रीन शॉट लेके मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, ब्लैंक पे तो पोस्ट पेज हमने सेलेक्ट की थी और रेलवे टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर दिया इसका पोस्ट। ठीक है, ऐड चेंज द बैकग्राउंड हेडलाइन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब चाहें तो सब सबको एक स्टार्ट कर दें या सपोज चाहें तो अलग अलग कर दें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब जो मैंने स्टेप्स के वो फॉलो कर लेते हैं। ऐड चेंज द बैकग्राउंड हेडलाइन, हमने बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया। ठीक है, अब पहले वाले पोस्ट में आप चाहते विदाउट बैकग्राउंड भी आप अपलोड करते हैं तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। बैकग्राउंड चेंज हुआ था हमारा ऑलरेडी, हमने क्या करना है, हेडलाइन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उनकी वेबसाइट पर आते हैं, हेडलाइन क्या है, कोई हेडलाइन तो है नहीं, तो हम ऐड पर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, हमें इतने ढेर सारे स्लोगन मिल गए हैं, कोई से भी सेलेक्ट करना। ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आया मैं पोस्ट पे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया स्लोगन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसका सर्च कम करना हो तो यहाँ पर देखें क्लिक, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करें और टाइप करें 40 माइनस 40। चेंज द बैकग्राउंड हेडलाइन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हेडलाइन चेंज करनी है। ठीक है, हेडलाइन हमने चेंज कर दी, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे आएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर कॉपी करेंगे, पोस्ट पे आएंगे, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, नंबर ओके इनका। ठीक है, ये ईमेल हमने कॉपी की, यहाँ पे पहले से हमें सॉरी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देर में हम यहाँ पे आएंगे, इसकी ईमेल कॉपी कर लेंगे। अब ये करने के बाद आप शायद तो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें, फिर आप इमेज ऐड करें, फिर आप पेस्ट कर दें, तो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप देखिए सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, ऐड चेंज द बैकग्राउंड हेडलाइन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द पोस्ट। ठीक है, आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, हेडलाइन चेंज करना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है और फिर स्क्रीन शॉट पेस्ट कर देना है। फिर आपने इसके अंदर प्रोडक्ट पेस्ट करनी है, फिर आपने स्क्रीन शॉट पेस्ट कर देना है, फिर आपने इसका कॉल टू एक्शन बटन डालना है, फिर आपने स्क्रीन शॉट पेस्ट कर देना है। पूरा करेंगे, पूरा स्टेप मिल जाए। ठीक है, काफ़ी का काम और लंबा हो रहा है, तो आप लोग स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, मैं सारा एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई सारी, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज भी बस यहाँ आ गया है, इतना कोई मुश्किल है नहीं, किट्स बना हुआ ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें किट चेंज करना है तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर गए।
अगर रेड और वाइट ले लेता हूँ, अगर ये मुझे प्रॉब्लम सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ में आऊँगा अपलोड्स, अपलोड्स में आऊँगा, यहाँ पे जाके मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ। ठीक है, ये इमेज मेरे यहाँ पे आ गया, इस इमेज को मैं उठा के, ठीक है, देखें इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, सही है। क्या अगर मैं चाहूँ टू रेड करता हूँ, मैं इस पर आता हूँ, रेड इमेज पर क्लिक करता हूँ और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये प्रो वर्जन में आएगा बैकग्राउंड रिमूव, इसके अलावा ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हमें रूफ, ये मैंने सबको दिखाया कि अगर मैं यहाँ से लेकर जाना चाहूँ तो इस चाइल्ड को मैं यहाँ पर भी लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल रेड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, डबल क्लिक करता हूँ इस पर, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ सेट कर लिया, यहाँ पर स्लोगन आ गया, डेटा शॉप नाउ, आपको शॉप नाउ का बटन ऐड करना है, कॉल टू एक्शन बटन यूज करना है। ठीक है, फिर जो है वो शॉप नाउ का बटन आएगा, शॉप डिटेल, यहाँ यहाँ बटन था लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर शॉप नाउ देता है, उसको किया था, मुझे छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने पोस्ट बना लिया, ठीक है, सिंपल आप लोगों को आइडिया दिया ताकि आप लोग इसमें आराम से अपने टूल्स वगैरह को नॉलेज के सिर से आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये फंक्शन आपको बन गया, आपने क्या करना है, ठीक है, आप अपने ये डिज़ाइन आपने बना दिया, आपने करना क्या है, स्क्रीन शॉट लेना है इसका, आ जाएंगे आप इस तरीके से इसका स्क्रीन शॉट लेंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पे आना सारा स्टेप अपने यहाँ से फेस कर देना, आपने करना क्या है, सिंपल आप आएंगे यहाँ पे, अब आपने फेसबुक स्टोरी भी बनानी है आपने। ठीक है, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, ठीक है, तो साइज का था फेसबुक स्टोरी का 1080x1920, तो ये ऑटोमेटिक वो साइज जो फेसबुक का है वो आपको शो कर देगा यहाँ पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ ब्लैंक स्टोरी पे, ठीक है, तो इसका साइज जो है वो स्टोरी वाला ही होगा, अगर तो आप जाके आप फोन पे जाके यहाँ पे करें कस्टम साइज पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दें साइज, यहाँ आपने क्या साइज दिया है 1080x1920, क्रिएट में डिजाइन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो वो साइज का आप लोगों को ये दे दिया। ठीक है, आपने करना क्या, आप ये काम आपने यहाँ किया और सारा आपने फेसबुक की स्टोरी में कर लेना है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ ट्राई करूँ, मेरे पास यहाँ रिसाइज का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, देखें ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे साइज का, अगर मैं इसका रिसाइज करना चाहूँ, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे काम खराब ना हो, कॉपी मेरी बन चुकी है, अब इसका मैं चाह रहा हूँ इसका साइज चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा, रिसाइज पर आऊँगा यहाँ पर, और इसका साइज क्या है हमारे पास 1080x1920, ठीक है, ये कर दिया आपने कॉपी एंड रिसाइज कर देंगे इसको। अगर आप रिसाइज करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा, कॉपी एंड रिसाइज करेंगे तो दूसरे पेज पे हो जाएगा, वो ट्राई करते हैं इसको, एक वर्जन में होता है, ठीक है, फ्री में नहीं है ये, देखें उस साइज में सारा काम उन्होंने ऑलरेडी रिसाइज कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ फेसबुक की स्टोरी दिखाई देगी जो आपने वाला काम इसमें करना है। ठीक है, अब इसका क्या करूँगा, मैं इसका स्क्रीन शॉट लूँगा, और जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री लिख के आपने सेव करना है, सेव करने के बाद अपने LMS में जाना है, यहाँ पे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट का ऑप्शन, सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट करवा देंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक्सरसाइज नंबर 1 आपने सबमिट करवानी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।